आपके साथ लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपकी हिम्मत को तोड़ दिया हो, आप परेशान हुए हो और आपने सोचा हो कि नहीं, अब मैं ये नहीं कर सकता। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आज का ये वीडियो आप मिस मत करना। आज की जो हमारी गेस्ट है वो आपको इतनी हिम्मत देगी अपनी कहानी से कि आप कहोगे मैडम सल्यूट है आपको। आज हम वेलकम कर रहे हैं मेरे इस इंटरव्यू कॉर्नर यूट्यूब चैनल में नंदिता श्रीवास्तव का, जो कि कोकिला बहन के नाम से बहुत 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 फेमस है और इतना बढ़िया काम कर रही है कि लोगों की हिम्मत बन रही है। वो हिम्मत के साथ साथ अब लोग उनसे इतने प्यार में हैं कि उनके प्रति जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल गया है। तो आज हम वेलकम कर रहे हैं हमारी गेस्ट का जोरदार तालियों के साथ। हाय, मैं हूँ नंदिता श्रीवास्तव और आप सबकी कोकिला बहन। आप मुझे सुन सकते हैं रेडियो सिटी पे आरजे दीपा के साथ और मुझे देख सकते हैं इंटरव्यू कॉर्नर आरजे दीपा के साथ। वेलकम नंदिता, सबसे पहले मुझे आपके लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, पहले के स्ट्रगल और अब चीजें कैसे बदली हैं, प्लीज टेल अस। यस, ऑफकोर्स चेंज हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब मैं डांस करती थी, डांस से मुझे बहुत प्यार था, बट वेट गेन के बाद जब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ऑफकोर्स बहुत सारी गालियां सुनने के बाद कॉन्फिडेंस आया है, बहुत सारे हेटर्स ने हेट किया तब मुझ में कॉन्फिडेंस आया है। एंड थैंक यू हेटर्स कि कहीं ना कहीं आप मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस देते आए हो। तो पहले ऐसा होता था जब मैं डांस करती थी ना, तो लगता था कि कहीं मेरा कोई पार्ट तो नहीं दिख रहा है, या फिर मेरा हाथ बहुत मोटा तो नहीं दिख रहा है, या मेरा पेट तो नहीं दिख रहा है, अभी फिट्टे मुंह, अभी कुछ नहीं दिखता, बस लगता है कि बस ये करना है, ये मुझे पसंद है, मैं कर रही हूँ खुद के लिए, तो बड़ा मजा आता है, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं होती है। तो हाँ, ये चेंजेस तो हुए हैं जरूर। तो आपकी शादी, आपकी फैमिली, आपका बेटा, बच्चे के स्कूल, आपकी मम्मी, योर मम्मी लुक सो यंग। एक्चुअली शी लुक सो यंग। अभी वो होता है ना, ये आपकी मम्मी है, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज शी सो फिट ना, बिल्कुल एकदम फिगर बहुत सुंदर है, खुद भी बहुत सुंदर है, तो हम लोग ऐसे ही बच्चे हैं, हम लोग तीनों ऐसे ही हैं। हाँ जी, मेरी शादी तो 2008 में हुई थी, बट ये डांसर नंदिता ना, मैं शायद इनबॉर्न डांसर हूँ, मुझे कभी चांस नहीं मिला। मुझे अब लगता है कि मैंने हमेशा से स्ट्रगल किया, पहले समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे डांसिंग का बहुत शौक था लेकिन घर से परमिशन नहीं मिलता था सीखने के लिए, फिर भी डांस करने को मिलता था, थोड़ी बड़ी हो गई तो डांस करने को भी नहीं मिलता था, क्योंकि पता नहीं छोटे से जगह है, तुम स्टेज पे करोगे, लड़के होंगे, तो भी मैं रुकी नहीं, मैं कई बार हम लोग छुप कर के डांस करके आ जाते थे, मम्मी को पता होता था, तो ये छोटा छोटा स्ट्रगल था, वो बड़ा ऐसा लगता था कभी कभी, काश मैं सिंगर होती तो क्या होता, अगर आप सिंगर हो तो घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिर्फ गाना गाना है, राइट, बट एक ठुमका लगाना एक जरूर एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अब तो नहीं, पहले हुआ करता था। तो चुपके मैंने डांस भी किया है और ये कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था कि शादी के बाद सच में मेरे सपने पूरे होंगे। शादी के बाद तो बॉडी डिफरेंट हो गई और हर चीज डिफरेंट हो गया, उसके साथ अपने सपनों को जिंदा रखना बहुत डिफिकल्ट था। बट एक यहाँ जमशेदपुर में 2012 की बात है, एक डांस कॉम्पिटिशन था, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं इस डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूं, उन्होंने बोला तुम कर सकती हो तो तुम करो, उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, तो मैं गई, मैं भले सेकेंड राउंड में मैं सिलेक्ट नहीं हुई, बट मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो डांस कर सकती हूँ, क्योंकि क्या हो ना, आई वॉज 57 kg और डिलीवरी के बाद 92 और उसके बाद बढ़ता ही गया, घटा भी। यस, आपको मैं शादी की फोटोज मैं आपको अपनी शादी की फोटोज जरूर सेंड करूंगी, आप देखना, मतलब आई वॉज 57 और मेरे हस्बैंड हेल्दी थे, तो सब बोलता था इनकी जोड़ी कैसे बनेगी, मतलब 6-7 महीने में हम पूरे इक्वल हो गए, ऐसा हो गया। तो मतलब आफ्टर डिलीवरी ना मेरा वेट 92 kg हो गया, तो वो बहुत बड़ा चेंजेस था। तो ऐसा लग, एक्चुअली मैंने ना हमेशा अपने आप को मिरर में देखा, वो एक्चुअली सेल्फ लव नहीं है, दिस इज रियलिटी, मुझे खुद में कुछ चेंजेस नहीं लगे, मुझे नहीं लगा कि मैं खराब दिख रही हूँ या फिर मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं बिल्कुल वैसी, जब मैं बिल्कुल वैसी फील कर रही हूँ तो मैंने मेरा डांस भी और अच्छा होते गया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मूव नहीं कर पाऊँ या वैसा वैसा। एनीवे, मैंने एक डांस कॉम्पिटिशन में सेकेंड लेवल में सिलेक्ट नहीं हो पाई, बट मुझे लगा कि अच्छा ये चीज मैं कर सकती हूँ, देन DID सुपर मॉम आया तो मुझे चांस मिला, तो
तो फिर उसके बाद ना लगा कि जब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, तुमको जो करना है करो, तो वो किया मैंने। फिर टिकटॉक में अब यहाँ प्रॉब्लम आता है नेगेटिव कमेंट्स के, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके फैमिली को जरूर पड़ेगा, बट अच्छा है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी टिकटॉक देखा ही नहीं, बट वो कमेंट्स मैंने उन्हें दिखाया कि ऐसे कमेंट्स है, आधा पढ़ के छोड़ देते थे, मतलब हम लोगों ने उतना तवज्जो ही नहीं दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मैं बहू हूँ, मैं माँ हूँ, मैं वाइफ हूँ, और मैं रोड पे भी नाच रही हूँ। मैं टिकटॉक आप बनाती हो तो यू डू एवरीथिंग, तो इतना बिंदास तो हर लड़की होना चाहती है, मगर कितना अलाउ कर पाते हो आप। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग जुबली पार्क जाते थे अच्छे लोकेशन के लिए और डांस करके आते थे, और मेरे हस्बैंड को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी भी नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ पाई। देन इसके बाद वो कोकिला बैंड में भी आया प्रॉब्लम, ये आता था कि जैसे मैं बाहर वीडियोस बना रही हूँ, छोटी साइकिल या छोटी बाइक चला रही हूँ, तो बहुत मतलब औरतें समझ नहीं पाती हैं कि ये पागल हो गई है, ये क्या है, क्यों ऐसे, आपको समझ नहीं आएगा किसी को, तो टाइम लगा, बट जब उन्होंने वीडियोस देखी होंगी या फिर उन्होंने जब देखा होगा तब उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो टाइम के साथ धीरे 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 सब कुछ अच्छा हो गया, तो अभी सब कुछ अच्छा है। और हाँ, ये स्ट्रगल जो है वो तो हर दिन करना ही चाहिए, उससे इंसान आगे बढ़ता है। तो मेरी लाइफ की ये स्टोरी है। एक्चुअली ये चीज है, क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मतलब अभी तो नहीं, अभी तो एवरीबॉडी नोज अबाउट मी, लेकिन ना सब ऐसे क्वेश्चन मार्क रहता था। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने घर के सामने, मैंने जमीन में मैं लेट चुकी हूँ कोकिला बैंड बन के, मैंने क्या कुछ नहीं करा है, और उस वक्त ना मुझे सिर्फ दिखता है कि मेरा कंटेंट मुझे बेस्ट होना चाहिए, मेरे वीडियोज परफेक्ट होने चाहिए, और मुझे दुनिया में नहीं दिखता है कोई भी, तो ये मेरे लिए सच में बहुत पॉजिटिव रहा है। ओके, तो ये कोकिला बैंड का जो आपका कैरेक्टर है, ये कैसे और कब कंसीव किया, प्लीज टेल अस। ये पता है दीपा, ये भी मेरे स्ट्रगल का ही हिस्सा है, क्योंकि जब मैं डांस वीडियोस बना रही थी ना, तो बहुत वायरल होते थे हर एक डांस वीडियोस, फिर सडनली टिकटॉक ने ना 5 to 6 months मेरे सारे वीडियोस डिलीट करने शुरू कर दिए, तो ये अलग अलग काइंड ऑफ पागलपन था, कि हर दिन मुझे पता था मेरे वीडियोस डिलीट होंगे और मैं हर दिन वीडियोस बनाती थी। अभी मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों करती थी, बट उसी में क्या हुआ ना कि मैं डांस भी करती थी, डांस के साथ साथ सारे एरिया को टच करने लगी, जो भी वीडियोस जो भी ट्रेंड आते थे मैं करती थी, तो ये कोकिला बैंड का ट्रेंड नहीं आया। एक आध मैंने वीडियो देखा कि मोटा भाभी पोहे बनेंगे वाली वीडियो, तो मैंने सोचा चलो ये तो मेरी फेवरेट कैरेक्टर, क्योंकि हम लोग बहुत देखते थे मम्मी के साथ, तो बड़ा मजा आता था, तो मैंने वैसा ही गेटअप एकदम रैंडमली, एक मेरी साड़ी थी वो पहना, जो जितनी छोटी छोटी बिल्ली थी सबको मिला के लगाया, और हाँ क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता था ये सब करने में, कुछ करने में, तो मैंने बिल्कुल ही रैंडमली वो एक वीडियो बनाया पोहे बनेंगे, तो लोगों को इतना मजा आया, सबने लिखा कि आप बहुत रिजेम्बल करते हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो फिर मुझे ये मजा आने लगा कि मैंने उसमें तड़का डाल दिया, मतलब सोचती जैसे मैं डायलॉग सुन रही हूँ राइट, तो मेरे दिमाग में वो बोलती कुछ है, मेरे दिमाग में कुछ और चलता है, तो वो मजा आया कि हॉस्पिटल होके मैं अभी आती हूँ, तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे रहेगा कि मैं छोटी साइकिल से जाऊं, ऐसा कैसे रहेगा कि मैं स्टेयर स्लाइडिंग करूं, बस मैंने ऐसे पता नहीं अपने मेरे अंदर का जो बचपन है ना वो सारा कोकिला बैंड में निकाल दिया, तो वो लोगों को बड़ा मजा आया। अच्छा आपके वीडियो का बेटा भी होता है, अब वो भी स्टार है, वो कितना एंजॉय करता है, वो बहुत, वो उसको मतलब उसके लिए मम्मा सब कुछ है, पहले तो मम्मा के लिए करता था, लेकिन अब उसको इतना मजा आता है, इतना बड़ा, मैं उनसे पूछती हूँ तुम्हें लिपस्टिक लगाना है, बिंदी लगाना पड़ता है, अभी स्कूल खुलने वाला है, स्कूल में सब तुमको चिढ़ाएंगे, तुम अब ये चीज मत करो, बोलता है उसमें क्या कृष्णा भी तो बनता है लड़की, वो सच में लड़की थोड़ी हो गया है, इतना स्पोर्टिंगली लेता है, इतना सही, इनफैक्ट मैं बोलती हूँ उसे कि तुम छोड़ दो, लेकिन उसको इतना मजा आता है ना कि गोपी या राशि के कैरेक्टर को पूरा लाइक कर देता है, इतने इतना ज्यादा पेशेंस है उसमें, जब तक ये बेस्ट नहीं होगा वो करते रहेगा। और इनफैक्ट अभी क्या है ना, जैसे हम लोग एक डायलॉग सुनते हैं,
कोकिला में किसी और वो सिचुएशन में बोलती है, हम लोग सुनते हैं फिर हम लोग बातें करते हैं कि अच्छा इसको इसको ऐसे बना ले या वैसे, या कोई मूवी देखा हमने, हम लोग सोचते हैं अच्छा इसको कोकिला बहन के वीडियो में डाल सकते हैं राइट। तो मेरा बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया है मुझको, तो अब वैसा नहीं लगता कि हर चीज मुझे करना है, वो बहुत है।